केस रिपोर्ट कर चुनती हमें केस रजिस्ट्रेशन कर चुन अंडर सेक्शन 302 ये केस में हमें इन्वेस्टिगेशन आरंभ है ची अबे परिजन तो हमें साइंटिफिक टीम यूज कर चुन साइंटिफिक स्पॉट जाए कि ऑल एविडेंसेस कलेक्ट कर चुनती और अन्य एविडेंसेस भी हमें गैदर कर चुन और ये केस में हमें पांच टा मल्टीपल टीम्स गठन करा जाए ची पांच टा टीम में अंडर ईच टीम हेडेड बाय वन इंस्पेक्टर एंड दुई जन एडिशनल एसपी भी कांस्टेंटली मॉनिटर कर चुनते जन डीएसपी भी कांस्टेंटली मॉनिटर कर चुनते आई एम ऑल्सो सुपरवाइजिंग दिस केस कैंपिंग एट द महांगा पुलिस स्टेशन और डिफरेंट जगह रे रेड चली हमें आशा कर चु और समस्त अक्यूज को धरीबू हमें नो बडी विल बी स्पेड वी विल अरेस्ट ऑल द अक्यूज पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम बेस्ड ऑन द एविडेंस सर 12 जन को ना सर एफआईआर रे रहिची 12 जन को भितर अनेक अपराधी अछंती जो माने तांकर पूर्वर अपराधिक मामला रहिचंती सेमान को आइडेंटिफाई करा गलानी की काई किना गुटे सूचना मिलुची गां लोक कहउचंती जे गुटे भोजी भातरा आसर जमीथिला सेठी मद पिया होतला तापर गुटे अपराधर ब्लूप्रिंट प्रस्तुत हेतला तापर सेमान गुटे एभली कांड भेंचंती या उपर आपन का कहबे तो आम पाखे किसी सस्पेक्ट्स मान नाम अच्छी आम से धरला परे अगेंस्ट को एविडेंस अच्छी आम एविडेंस एवालुएट करके तापरे से अगेंस्ट एक्शन देबो सर राजनीतिक दल सर राजनीतिक दल संपृक्ति अच्छी आपन को सर किसी या भितरे किसी प्रेशर अच्छी कि सेमती किसी पुलिस प्रेशर अच्छी बोली आपन कहबे नो वी आवर एक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ऑन द एविडेंस ओनली वी विल टेक आवर एक्शन सर किसी डेडलाइन मिलबो सर गोटे जेतु संवेदनशील प्रसंग किसी डेडलाइन मिलबो सर एति की घंटा कि एति की समय एज सून एज पॉसिबल एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड आवर मायसेल्फ कैंपिंग एट हियर एंड ऑल आवर ऑफिसर्स एंड आर वर्किंग ऑन दिस एंड हमे आशा करछु शीघ्र हमे केस को क्रैक करबो कोन कारण जणा पडछु सर या पछर कोन कारण रहै थै पारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रे प्रीवियस एनिमिटी को नेकी घटना हेछ बोली हमे हमको खबर मिलि छि बट द सस्पेक्ट माने अक्यूज धरला परे हमे पूरा व्हाट द एग्जैक्ट रीजन जणा पडिबो सर विक्टिम को जणा को मते जहा तांकर सूचना अछि इतला मते कहिछन जे आदर गोटे पॉलिटिकल हातो रहू छि एवं शासन दल रे इन्वॉल्वमेंट मते कह जाउ छि समस्त अक्यूज धरा पड़ला परे मतलब जानी हबो व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द इंसिडेंट हमें मतलब दिस इज आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग सर बड़े चार बड़े छोटिया प्रश्न सर पूर्वर जो माने अपराधी थिले से माने फेरार होतले पुलिस को सूचना दिया गला परे भी पुलिस ताको अरेस्ट कर नथला बारंबार से माने गांरे आसुथले आतंक खेलौथले ए प्रसंग रे महांगा पुलिस तो किछ अपन आलोचना करछन्ति जे जो माने पुरना अपराधी से माने गांरे खुलम खुला बुलुथले पुलिस किछ एक्शन नउ नथला अरेस्ट कर नथला ये केस रे जत्ते के जण इन्वॉल्व अछंती हमें समस्त को अरेस्ट करिबो और प्रीवियस केस रे भी जो माने रही छंती से मानन भी अरेस्ट हेबे सर जोड़े के ऑटो को अछंती आई कैन नॉट शेयर दैट इन्फॉर्मेशन आईएसी सूचना देथले कि सब पर जण को ऑटो कर आई कैन नॉट गिव दैट इन्फॉर्मेशन थैंक यू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करा जिबो एविडेंस आधार रे जहाँ किसी पदक्षेप ग्रहण करा जिबो एकदम ट्रांसपेरेंट पदक्षेप ग्रहण करा जिबो स्वच्छता रहिबो तदंत रे ये प्रतिश्रुति दोथिले ता सहित मध्य कहउथिले जे किसी जन को नारे अभिजोग आसी छि एवं जेतेबेले समान को गिरफ करा जिबो जेतेबेले बलिष्ठ प्रमाण मिलिबो सेतेबेले से नारो पर्दाफाश हेबो किंतु सांघातिक अभिजोग आनिछंती कुलमणि पुओ एवं महांगारे जो डबल मर्डर घटना ये राजनैतिक शत्रुता पाई होई छि एक कथा बेल को बेल स्पष्ट हो छि तबे कुलमणि बराल एवं दिव्य सिंह बराल दुई जन को हत्या करा जाई छि गत रातिर घटना बीजेपी नेता कुलमणि बराल को हत्या मामला रे थाना रे मध्य एतला दिया जाई छि एवं 12 जणक नारे मोट 12 जणक नारे एतला दिया जाइछि कुलमणि बराळंकर पुओ रमाकांत बराळ एतला देइछंती एवं सांघातिक अभिजोग आसीछि जे पूर्वर मध्य महांगारे राजनैतिक शत्रुता को नेकी हत्याकांड घटीथिला किंतु 2018 रो घटना आजि 2021 सेलाणी वर्तमान सुद्धा अभिजुक्त को गिरफ करा जाय नाही से खुलम खुला बुलुछि ताकुने मध्य चर्चा घनैछि
ए बाबद अधिक सूचना पाई सीधासळख ग्राउंड को जिबा अमर प्रतिनिधि संतोष जोड़ी होती मो सहित संतोष आम ग्रामांचल एसपी प्रतिक्रिया शुणुलु जहां प्रतिश्रुति देते बलिष्ठ प्रमाण हाथ में लगे निश्चय समस्त अभियुक्त को गिरफ्त कर वर्तमान इन्वेस्टिगेशन चली कौन अपडेट आ देखो स्मृतिलग्ना निश्चित भाव कहीपर पुलिस पारदर्शिता और दक्षता को नहीं गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि कहीं जो विकास जेनार हत्याकांड कथा कहु ये दुई वर्ष तलर घटना जो जो अपराधी माने संपृक्त थिले सेमाने पुणी थरे गाँ को आसुथिले पुलिस आखि आडवाळे रहुथिले एवं सरकारी छत्र छाय तले रही सेमाने पुणी थरे गाँ रे आतंकराज सृष्टि करुथिले प्रसंग रे मध्ये आमे एसपी कर प्रतिक्रिया लोडीथिलु किंतु कोनोसी प्रकार तांकर प्रतिक्रिया मिली पारिनि एवं से प्रतिक्रिया देइनांति किंतु सबटु बड आश्चर्य रे कथा आउछि आम तो भिजुआल आपको देखू जो पांचटी स्वतंत्र टीम गठन कराई थाना वर्तमान समय जो पांचटी थाना आई आई सी सहित आडिशनाल एसपी एवं एसपी अच्छा डीआईसी अच्छा से सहित सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा या पूर्वर जी बराला फैमिली या पूर्वर जो सुरक्षा मागी थे अर्थात पूर्वर जो धमक चमक आसूला से धमक दि जाने सुरक्षा मागुले अर्थात कौटना कौटी तक धमक चमक आसूला एक पुलिस जाणी जे ये लोक जो मानते अभियोग आसूँ से पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच स्वामी जो मैंने हत्याकांड में संप्रति अच्छा से मैंने कौटना कौटि धमक चमक दौले पूर्व आतंक सृष्टि करुले एने आई आई सी आरंभ कर डीजी पर्यंत से समस्त को अभियोग पत्र देते जे ये लोक मैंने जो पुओं को हत्या करने धमक दौंती कितु सबुठ दुखर कथा जे पुलिस से घटना को गुरुतर सहकारे नहीं नाला सुरक्षा जगै दे ना जो कि गोटे करुण परिणति सामना आसला और विभत्स हत्याकांड जो हत्याकांड गत काली राति 7:30 रे घटी जा कथा पुलिस कहूँ ये हत्याकांड एत निर्मम भाव में कराई एत विभत्स हत्याकांड जे खाली आखिरे आपको देखा बोध हुए समस्त को असंभव हो पड़ कहीं जो भाव में धारुआ अस्त्र मंत्री छत्र छाय तले माने रही चंती बलियान होई चंती एवं पूर्वरु मध्ये माने अपराध भियाई चंती ता परे मध्ये खुलम खुला बुलीबा एवं ग्रामांचल एसपी कर वर्तमान जा प्रतिक्रिया आस्तुला जे पूर्व घटना रे मध्ये कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो माने 2018 रो घटना 2021 रे घटना रो पुनरावृत्ति हेला परे आपण कहउ चंती जे पूर्व घटना रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो निश्चित भाव स्मृतिलग्ना कौटना कौटी पुलिस स्वीकार करी जे पूर्व घटना रे पुलिस एति तत्परता प्रकाश कर नथिला अपराधी को छाड़ देता कहीं आम जो प्रश्न पचारूल समस्त आम प्रतिक्रिया शुणिले जो पूर्व घटना मध्य कार्यानुष्ठान निया कथा पुलिस कहते हैं अर्थात पूर्व घटना कौटना कौटी ढिला मनोभाव नि आईन रढ़ुआल भितर से खसी जाते पुणि थे जा गाँव में आतंक खेलाने पुणी थे अभोग कर आई आई सी को जनई आम जीवन प्रति विपद अच्छी आमको सुरक्षा दिया जाऊ जो माने हत्याकारी अच्छा जो माने विकास जेना अपराधी अच्छा हत्याकांड में संपृक्त अच्छा से माने गाँ को आसुंच आतंक खेलुंट आउरी जीवन नाप धमक दौंती आउरी गोटे हत्याकांड करने खुलम खुला चैलेंज करुते जो कथा पुलिस जाणीला कितु दुखर सह परितापर सह आमको कह पड़ी पुलिस से घटना को गुरुतर सहकार नहीं ना आज पुलिस प्रतिक्रिया पर स्पष्ट जे पुलिस भी जाणी विकास जेना हत्याकांड अपराधी मैंने संपृक्ति अच्छा संपृक्त अच्छा सहित से पुणि थे गोटे हत्याकांड दुई दुईट हत्याकांड घटे जो माने शासक दल प्रछदी पटे खलनायक ट्वीट स्पष्ट भाव एक राजनीति रे हिंसा को प्रश्रय दिजिव ना विजु जनता दल के भी हिंसा को प्रश्रय दे आसीना केवल वर्तमान भावमूर्ति मलिन पड़ आपण से ये प्रतिक्रिया रखुंत ना पूर्वर 2018 रो घटना रे भी आपण से विधायक रही थे जदि वर्तमान सुधा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराए ना आपण गुरु दायित्व नुह कि निज निर्वाचन मंडल में कौन घटू कहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण कराएं तार फलोअप ने से उत्तर आज आपण कहीं ना ये वर्तमान परिस्थिति में सबुठ बड़ प्रश्न साधारण नागरिक जो दल हा कहीं पुलिस राजनेता माने समस्त जो माने विशेष भाव में मंत्री कथा आम कह समस्ते समस्ते समान हुए तो निर्वाचन मंडल में विकास जेना भाई गोटे राजनीतिक संपृक्ति थिबा गोटे हत्याकांड घटी गुरुदायित्व थिला एक कथा संपर्क में बुझा जाणी जो माने अपराधी अच्छा जो माने आउ गोटे अपराध करने को साहस करुक्त दंड देवा कितु दुखर सह रखा पड़ी से गाँव लोक समाज अपराध कर
पाई कठोर दंड हेबा आवश्यक परवर्ती मुहूर्त रे सेमाने भय करिवे किंतु एठी अपराधी द्वितीय थर अपराध करबा पाई चिंता करूचंती तो आमे केमती समाज रे रहउचू एठीका आइन कानून कार्यानुष्ठान एवं पुलिस प्रशासन एवं नेतांकर जो बळ रहिचि नेतांकर जो चाप रहिचि शासक दलर जो चाप रहिचि से कथा स्पष्ट भाव रे प्रतिफलित होउचे घटना रे बहुत बहुत धन्यवाद संतोष समस्त अपडेट पाई बीजेपी नेता कुलमणि बराल हत्या मामलें थाना एतला बारह जन ना थाना एतला दे कुलमणि बराल पुओ रमाकांत बराल ए हत्या घटन जंकुटी गाँव चारिज और नृतांक गाँव आठ जन ना एतला दि जाइए सूचना आधार में भिकारी चरण स्वाई प्रफुल्ल कुमार विश्वाल प्रमोद विश्वाल ललित मोहन विश्वाल विजय कुमार बराल उमाकांत स्वाई क्षितीश कुमार आचार्य मलय कुमार बारिक संतोष रंजन पाणी पंचानन सेठी चैतन्य सेठी कैलाश खटुआ नारे एतला रही ए घटना रे जन को अटक रखी पुलिस वर्तमान पचरा उचरा कर पुलिस महांगारे दुई बीजेपी नेता घर को फेरुवा बेले निर्मम भाव हत्या कर पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष कुलमणि बराल और सहयोगी दिव्य सिंह बराल को निर्मम भाव हत्या कर घटना को निंदा कर उभय एक बैक फेरुवा बेले रास्त दुई को हत्या करा जाई छी घटना पछरे बीजेडी नेता एवं कर्मी कर संप्रुक्ति रही छी अभियोग मध्य आसुची तबे आवास दुर्नीति एवं शौचालय दुर्नीति संपर्क रे मुह खोली बारो होई छी आक्रमण बिकार चरण स्वाई के ता गोचर जगह घर करछन एवं ता भाई के जो दरथल ता ना कहछन ता पुओ ना कहछंती एवं सरपंच रो स्वामी जी एटे लैट्रिन दुर्नीति मो बगीचा दुर्नीति विभिन्न दुर्नीति रे लिप्त से प्रफुल्ल विश्वाल भाई प्रमोद विश्वाल एमती बार जन ना नहीं एगार बार जन के एगार बार जन आउ दु तीन जन से चिन्ह ना बिकार चरण स्वाई पुओ प्रफुल्ल विश्वाल प्रमोद विश्वाल सहयोगी भाव विजय बराल ललित मोहन बराल एम अच्छा चार जन ना सरपंच स्वामी कौन भूमिका अच्छे सी मुख्य भूमिका आज्ञा बिकार चरण स्वाई सी कहते मुख्य प्रफुल्ल विश्वाल जो बार तेरह जन ना कौन बापा समस्त को चिन्ह आज्ञा समस्त को चिन्ह सब ये लोकाल लोक नृतांग जन कौट गाँव बापा से कौन आई खाली देखिकी आई ना मुझे जानी पूर्व किसी डरा धमका कर बहुत आगुरी पजिया गल धमका धमकी सब आर वर्ष गोटे लोक मारदे किए मारे जो से मार फेरार ही बुलूँ पुलिस धरुनी ना से फेरार ही बुलूँ सबुआ बुलूँ कौटी धरवे ना कि ना दु वर्ष है मरड़ हो जेनाहर पु आउ आम से तो जाला धंदा मुझे जाकि देखिकी आईली गला बेलू को पड़ सारे आ गाड़ी पड़ी सी पड़ी नहीं रक्त रक्त तो हाणी पक सब अणाई कौट मुंड मुंड सब अणाई छाती की हाणी से लोक मुझे जानी से मारी से मारी तो धमकाउ मो पु को मारदे नाती की मारदे कौन सब धमक दौन पर शेष करदेबू हत्याकांड घटना रे मंत्री प्रताप जेना परोक्ष संप्रुक्ति अभियोग आणिले स्थानीय बासिंदा मंत्री प्रताप जेना वो तांकर सहयोगी मिसी हत्याकांड घटाइथिबा अभियोग आणिछंती स्थानीय लोक छत्र छात्र काम करूछनी मंत्री एकता सब जानिछंती मंत्री निज जानिछनी एवं त सुरक्षा दौछनी थाना माध्यम रे जिए भी थाना को आसिबे थाना पुलिस रो दोष देले हमर कि अछि पुलिस कोन करबे ये पुलिस जे ये पुलिस नहीं कौन अच्छी जी पुलिस एठू जी फेर भी नुआ पुलिस आसे से मंत्री छाया तले काम करेंगे ना ना सरकारी व्यवस्था भितर तेणु ये तो मंत्री करोची सबूजाक सरपंच स्वामी ना भी अभियोग स्वामी तो कई अभियोग कहीं हम तर ना तार तो आम रखी काबुआ आउ तार भाई गोटे बीबन विगत जो विकास जेनार केसटा को भंडूर करने को निजे मंत्री आठिकार स्थानीय जो मैंने रही अपराधी ताकु भंडूर करने को आज कुलमणि बराल को हत्या कराई साकी माने दुर्बल हे से साकी मानक प्रभावित कराव मुख्य लक्ष्य सेटा को सबुथरु बर्तमान हरास होकर शेष ए निष्पत्ति ही नहीं तेणु जहाँ ये अवस्था जेपी विकास जेना को मानने से हत्यार शिकार है ये भाई नृशंस से जो पा खोजी पीवापी ए काबुआ जे ये सविता नायक स्वामी ताको मूर्ति की तबे हत्याकांड समय रे घटनास्थल स्थिति केमती थिला क्यों परिस्थिति रे हत्या करा जाई छी जाकु ने घटनास्थल रे पहुंची थिला अर्गस आसंत देखिबा केमती रही थिला स्थिति
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚପଲ ପଡ଼ିଛି, ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଚପଲ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ବାଇକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁମାଲ ରହିଛି ରୁମାଲକୁ ବାଇକ୍ରେ ଗୋଡ଼ା ହେଇଛି। ମାନେ ଚୋଟ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଟାଙ୍କିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ କରୁଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଇନଥିଲେ କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ 6-7 ଜଣ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଖଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ମର୍ଡର ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥିଲା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଚିତ୍ର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମର୍ଡର କରାହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଛକିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 6-7 ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଏତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୁଳମଣିଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏ ଖବର ଶୁଣି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁଳମଣି ଜଣେ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଠାରୁ ଦୁଃଖଦ କିଛି ବି ନଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ସେ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ଏବଂ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ଆଗରୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସକୁ ଡାକିକି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଘଟିଗଲା ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘଟାଇଲେ। ଆମର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅତି ବୟସ୍କ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ପଲିଟିକାଲ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସିଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କର୍ମୀ, ତେଣୁ ସେକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତାରୁ କେମିତି ହଟାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ବା ସେଠିକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାପରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା କହିଲେ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ
जे जो भाई भाव में 2018 विकास जेना को हत्या करा जाय थला आज पर्यंत तांकर हत्याकारी को वर्तमान सुधा पुलिस धरी पारला नहीं 2018 जोटी आम विरोधी दल नेता एवं राज्यर सभापति मान समीर महांती प्रदीप नायक महोदय जाते आज पर्यंत धरी पारे ना एवं आज जो हत्याकांड घट संगठित आपड़ देखिए जो भाई भाव में नूतंग पंचायत आगुरु प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिला लोकलोचन को आनीथिला जे सेठिकार पूर्वतन चेयरमैन विकास स्वाई तांकर संपर्क माननकु कोभली भाबरे प्रधानमंत्री आवास योजना रे चंचकता भाबरे जो माने पाइबा कथा नो तांकु देथिले ताकु नेकरि भारतीय जनता पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिला ता कारणरु पीडीडीआरडीए तांकु नोटिस करथिले एथिरे से माने उत्क्षिप्त हेई वर्तमान कुलमणि बराळ एवं दिव्य सिंह बराळंकु हत्या करिचंती सेबळी हत्याकांड को निंदा करबा सहित राजनीति रे हिंसा रो कोनोसे स्थान नथिबा कहले कांग्रेस पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक यहा एक एक दुर्भाग्यजनक घटना से महाशय अमर भी पूर्वरु कांग्रेस दल रे थिले बरो कार्यदक्ष व्यक्ति तंगु जेपरि भाबर हत्या कला राजनैतिक हत्या आम राज्य आरंभ हलाणी नारी निर्यातना जपरी बढ़ी चली राजनैतिक हत्या कार्य भी मध्य सेमती आरंभ हो गला यह दुर्भाग्यजनक मुझे सरकार को अनुरोध करुच्ची दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करपरी कार्यक्रम केत कर्मी मान नहब किए कह जदि ये एनकरेज करा जाए राजनैतिक हत्या गंडगोल तेज़ सब आड़े स्प्रेड करना बहुत 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 दुखित मोर मुझे बसिक कौन भावना भाव पुलिस इन्वेस्टिगेशन करुच्छी तो पेपर देखुरी जे प्रकाश बाबू कौन कहते बीजेडी संप्रुक्त बोली तेणु किए संप्रुक्त से विषय इन्वेस्टिगेशन मोर मतामत दबा ठीक नुह कि कहीं तो जब राजनैतिक हत्याकांड कराऊ कहीं ना कहीं राजनैतिक दल से संपुक्त पुलिस तार इन्वेस्टिगेशन करूँ सत्यासत किंतु यहाँ गोटे निहाती कदर्ज मानसिकता मसीहा द्वितीय पर्याय साधारण निर्वाचन प्रचार अभियान चली बीजेपी नेता मंगुली जेना को खोर्धा नबीनाबाग ठारे गुली करी हत्या करा जाइथिला बीजेपी नेता मंगुली जेना हत्याकांड घटना सीबीआई को हस्तांतर दाबी रे परिवार लोके खोर्धा जिलापा निकट पहुंची एक दाबी पत्र देइथिले मध्ये कोनोसी पदक्षेप ग्रहण करा जाय नाही से समय मंगुली समर्थक माने खोर्धा टाउन थाना आगे धारण में बसी रही है यह राज्य सरकार अति संवेदनशील भाव में क्राइम ब्रांच को हस्तांतर कर क्राइम ब्रांच सन्देह केतेक लोक डाक जेरा करी निकट किंतु पहुंची पार नथिला तबे मंगुली जेना हत्याकांड घटन बहु प्रभावशाली व्यक्ति परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में संप्रक्त रही हेतु तदंत प्रक्रिय बाधा उपजी आशंका कर सीबीआई को देवाकु परिवार पक्षरु दाबी होईछि एवं हत्याकारी माने राजनैतिक नेतांक छत्रछाया तले रही आसुछंती खुल्लम खुल्ला बुलुछंती ए कथा चर्चा होउछि विगत साधारण निर्वाचन जो 2019 अप्रैल 14 तारीख दिन तांको हत्या करा जाइछि खुर्दा नवीन बाग बीजेपी प्रार्थी कालू खंडेतरा घर सामने यो घटना घटला निर्वाचन संवेदनशीलता को आखि आगे रखी माननीय ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक या क्राइम ब्रांच को हस्तांतर कले जो क्राइम ब्रांच को सी हस्तांतर कले से क्राइम ब्रांच पाक आम मानने आज को देढ़ वर्ष दु वर्ष भितर शहे थर ऊर्ध समय धरी जाइ क्राइम ब्रांच द्वारस्थ हो जिलापा द्वारस्थ हो एसपी द्वारस्थ हो एवं जिते प्रशासन अच्छा समस्त आम आम न्याय भिक्षा मागिचु एवं द्वारस्थ जो दक्ष क्राइम ब्रांच अधिकारी माने आसंदी इन्वेस्टिगेशन चलापाई से मानकर किसी तत्परता देखिले ठीक दिने दुई दिन भितर से अलग क्यों जगार जा नियोजित हो जाती जो थ्रु आम अनुमान कलु एम जाणीशु ये सब घटना घटे
ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ହତ୍ୟାକାରୀକି ଜାଣିଛି ଏବଂ ଧରୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବୁଲୁଛି, ଅପରାଧୀ ଅଣ୍ଟଗୋଳି ରଖିଛି, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ରହିକି ରହିଛୁ। तो न्याय पाई चाहि चाहि निराश होती। परवर्ती खबर को आसवा कोभासिल्ड और कोभाक्सीन को अनुमति जरूरी व्यवहार पर अनुमति देला डीसीजीआई। एने डीसीजीआई पक्षर प्रेस कन्फरेन्स मध्यम सूचना दि जाएगी। सेरम इन्यूट्र कोभासिल्ड और भारत बायोटेक् द्वारा निर्मित कोभाक्सीन भारत सरकार द्वारा व्यवहार पर संपूर्ण अनुमति पाई। तेज आज विधिवत भाव में उभय टीका को डीसीजीआई अनुमति प्रदान कर भारत बायोटेक एज वेल एज फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल ऑफ मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी कंसिस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ पल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन एटसेट्रा। Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. The subject परे शुभेच्छा जनाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभय सेरम एवं बायोटेक को अभिनंदन जनाई। मोदी कहले कोविड मुक्त देश गठन पर बाट फिटिला, स्वदेशी टीका को अनुमति मिलवा देश गर्वर विषय बोली से कहते। यह अवसर में से उभय उद्भावक एवं वैज्ञानिक मान शुभेच्छा जनाई। पुणि जननी जंत्रणा। बरगड़ मेलछामुंडा थाना अंतर्गत भुंदुबाहाल गांव आसला अभावनीय दृश्य। आसला ना आंबुलांस, शेष में रास्ता कड़े प्रसव कले महिला। गांव जड़े महिला प्रसव जंत्रणा रे छटपट होते आंबुलांस को फोन करते घर लोक, मात्र आंबुलांस न आसवर शेष में महिला जनक रास्ता कड़े प्रसव करते। यापर स्थानीय स्वेच्छासेवी अनुष्ठान कर्मी घटनास्थल में पहुंची उभय माँ और शिशु को उद्धार कर मेडिका भर्ती कर। चलित वर्ष मैट्रिक छात्र छात्री 80 मार्क परीक्षा देबे, 50 मार्क ओएमआर रे ऑब्जेक्टिव एवं 30 मार्क सब्जेक्टिव प्रश्नर उत्तर देबे, किंतु मूल्यायन हेबो 100 मार्क रु। अर्थात 80 मार्क रु परीक्षार्थी रखिथिबा मार्क आधार रही बळका 20 मार्क पई एवरेज मार्किंग करा जिबो। सेभळी परीक्षा सरिबार 45 रु 50 दिन भितर रिजल्ट प्रकाश पई जिबो। द्वितीय पर्याय रे आवश्यक विद्यालय गुडीकर हॉस्टल खोलिबा पई योजना रहितिबा विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देछन्थि। पुरी जिल्लार ब्रह्मगिरी रेंज रे पक्षी गणना आरंभ होई। सका 6टा ब्रह्मगिरी रेंज रे पक्षी गणना आरंभ होई। एथिपाई रेंज को 4टी जोन रे भाग कर दिया जाई, जो थिरे सुनामोहिरु बरकुदी, ब्रह्मगिरी ढबा छकरु गोलरा, काठुआरेडी छकरु खजुरिया, जगन्नाथ सड़करु पथरपद जाए गणना चली। ए पक्षी गणना कार्य मोट 25 जन नियोजित होती। गत वर्ष ए रेंज रे 101 प्रजातिर प्राय 90763 विदेशागत पक्षी देखा मिले। एथसहित 5टी नुआ अतिथि पक्षी चिन्हट होती।
बारिपदा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में कोरोना योद्धा धारणा नर्सिंग ऑफिसर माने विभिन्न दावी नहीं शांतिपूर्ण भाव में धारणा में बसी जिले में मोट 150 जन नर्सिंग ऑफिसर रही बेले से 80 जन पीआरएम मेडिकल कॉलेज रे कार्य करुछंती 70 जन जिल्लार विभिन्न डाक्तरखाना रे स्वास्थ्य सेवा जोगाई आसुछंती तबे डिसेंबर 27 तारीख रु जनवरी 1 तारीख पर्यंत एमाने ब्लैक बेज पिंधी प्रदर्शन करथिले। हमर एटा जो टोटल जो ओडिसा नर्सिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ रु हमर प्रेस मीट कराइतिला जे हमर केत्ता डिमांड रहूची जो आमर नर्सिंग ऑफिसर कैडर बर्तन गवर्नमेंट चेंज कर देइछन्थि सही रेशियो रे आमर आगर जो स्केल पे रहूछि 5.2-2.8 रहूछि 5,228 ग्रेड पे रहूतला जोटा कि आमर डिमांड फास्ट डिमांड रहूछि सेटा को 9.3-4.2 करा जाउ आउ जो ग्रुप सी रहूछि ताको ग्रुप बी को कन्वर्ट करा जाउ आउ जो रहला आमर एमएससीपी रूल अनुजाई गवर्नमेंट जो 10-20-30 रेशियो रे जो स्केल पे गुटे चेंज हुए प्रमोशन होउछि तो सही जिनसटा आमर जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड 6 इयर्स रहूछि से जिनटा आम जो एमएससीपी रूल अनुजाई आमको गवर्नमेंट को निवेदन है जे दिस इज 10 इयर्स रे इनक्लूडिंग करूँ से ड्यूरेशन टा इनक्लूडिंग करूँ आ बाकी रहा फोर्थ पॉइंट जो आम आरबीएस कंडर जिते भी नर्सिंग ऑफिसर रोचान पाखापाखी 230 पाखापाखी रोचान तो से जो गवर्नमेंट को कन्वर्ट कर एनआरएसएम जमी रेगुला है आरबीएस नर्सिंग ऑफिसर को भी गवर्नमेंट को कन्वर्ट कर अर्गस अपडेट को इट रखा विदाय दिंतु नमस्कार।